स्टूडेंट, आज हम मोलरता से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, 8 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया है, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं विलयन की जो मोलरता होती है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। ये जो डब्ल्यू ए एम ए है, यही जो है विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या होती है। और इसमें जो W है वो हमारा विलेय का द्रव्यमान होता है, ये जो Na है इसका 8 ग्राम है, 500 ml जो है ये VML होता है, Ma जो है वो विलेय का मोलर द्रव्यमान होता है। तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, WA इज इक्वल टू 8 ग्राम और MnaOH हम निकाल लेते हैं, यानी 23 प्लस कितना होता है हमारा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाता है आपका 40। और हमको दे रखा है VML, यानी हमको जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 500 ml है। अब हम जो है इस तरीके से इस फॉर्मूले के अंदर इसको रख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको रख सकते हैं। तो हमारे पास m इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, w a कितना हो जाएगा हमारे पास 8 ग्राम, बट्टे हो जाएगा हमारे पास m a 40 इंटू हो जाएगा 1000 और अपॉन हो जाएगा कितना, हमारे पास कितना दे रखा है 500। तो ये इससे दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर हमारा हो जाएगा 8 × 16/40 और ये आ जाएगा 0.4 m। तो जो हमारे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.4 m। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 20% WyV यूरिया विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो 20% है, पहले तो हम इसका पता कर लें, 20% यूरिया का अभिप्राय है कि 20 ग्राम यूरिया को 100 मिलीलीटर जो भी है जल है, सपोज सॉल्वेंट में जल में घोला गया है, ये इसका मतलब होता है। तो अब हमारे पास सीधा है कि फॉर्मूला तो हमारे पास वही हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। तो अब हमको हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, हमारे पास है डब्ल्यू ए यानी डब्ल्यू यूरिया कितना है, ये है हमारे पास 20 ग्राम। और हम यहाँ पर एम यूरिया निकालेंगे, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो इसको अगर हम इसका निकालेंगे, यानी 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 60, ऐड करने पर कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो अब हम इसी फॉर्मूला के अंदर इसको रख सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है W ये M हमें मालूम है, सब चीज़ हमको मालूम होगी, और इधर V M L इज इक्वल टू वो है हमारे पास 100 मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर है। तो अब हम यहाँ से M कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, M बराबर कितना हो जाएगा, W A कितना हो जाएगा हमारे पास, W A हो जाएगा 20 ग्राम है, यानी 20 ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा 60 इंटू कितना हो जाएगा 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100, तो ये इससे 10 टाइम हो जाएगा। तो m बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 60, ये आप कर लीजिए, और ये कितना हो जाएगा 3.33 m, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसकी मोलरता हो जाएगी 3.33 m। 14% H2SO4 WyW विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन का घनत्व आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम जो ये 14% का क्या मतलब है, 14%
H2SO4 से मतलब है कि 14 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। अर्थात विलेय का जो द्रव्यमान है वो है 14 ग्राम और यहां पर विलयन का जो द्रव्यमान है वो भी है 100 ग्राम। अब हमको घनत्व दिया गया है, यानी विलयन का जो घनत्व है डी बराबर हमको दिया गया है 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी घनत्व डी बराबर होता है एम अपॉन वी, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो वी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम अपॉन द्रव्यमान अपॉन आपका हो जाएगा डेंसिटी। तो यहाँ से वी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू हो जाएगा यानी एम द्रव्यमान है 100, डी है आपका 1.02, कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 98 ml, यानी हमको जो वी है ये है विलयन का आयतन, जो वी है वो है विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन हमको इतना मिलीलीटर में प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं मोलरता पे, यानी मोलरता m इज इक्वल टू हमारे पास होता है WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन VML, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब WA यानी विलेय का द्रव्यमान जो कि था कितना 14 ग्राम, यानी WA हम यहाँ पर लिख सकते हैं WA इज इक्वल टू 14 ग्राम और VML इज इक्वल टू 98 ml, और हमारे पास चाहिए MH2SO4 यानी इसका जो है मोलर द्रव्यमान हमको चाहिए, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारे पास H2SO4 के लिए, H2SO4 यानी 2 + 32 + 1664 इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 98। तो इस फॉर्मूले में हम इसको रख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, यानी हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे m इज इक्वल टू 14 बटे 98 इंटू 1000 अपॉन VML हो जाएगा हमारे पास 98। इसको 7 टाइम m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 7 × 98, यानी सॉल्व करने पर ये m इज इक्वल टू 0.15457 मोल पर लीटर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.5 ml H2SO4 तथा 0.3 ml H2SO4 के दो विलयन जिनका आयतन क्रमशः 300 ml तथा 200 ml है, प्राप्त H2SO4 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर दो विलयन हैं जिनकी मोलरताएं हमको ज्ञात हैं, मोलरिटी हमको पता है, और उनको हमें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो है हमें इनका मोलरता कैलकुलेट करनी है। जब भी हम दो विलयनों को मिक्स करेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो जाएंगे और ये वॉल्यूम जो है ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला बन के निकल के आता है, इसमें m इज इक्वल टू हम लिखते हैं m1v1 + m2v2 / v1 + v2। ये हमने पहले इस फॉर्मूले को डिराइव किया है, इसके लिए आप हमारा जो है पिछला इसका पहला भाग देख सकते हैं, उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया है।
तो M1 हमारे पास एक विलयन ये हो जाएगा, यानी इसको आप जो है फर्स्ट विलयन ले सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट विलयन हो जाएगा, ये विलयन फर्स्ट हो गया और ये विलयन जो है सेकंड हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास M1 हमको मालूम है, यहाँ पे M1 कितना है, M1 है यानी M1 हमको मालूम है कितना है 0.5, और इसी तरीके से हमको V1 भी मालूम है वो कितना है 300 ml, ये हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो है M2 मालूम है हमको, M2 कितना है वो है 0.3, और V2 भी हमको मालूम है वो है हमारे पास 200 ml। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर इसको रख सकते हैं, यानी हमारे पास M इक्वल टू निकल करके आता है M1 कितना है 0.5 और V1 कितना है इनटू 300 प्लस M2 कितना है हमारे पास 0.3 और कितना है 200 अपॉन कितना हो जाएगा 300 प्लस 200। तो इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150 प्लस ये हो जाएगा 60 अपॉन 500। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 210 प्लस 500, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.42 m, ये हमारा निकल करके आएगा। तो इस तरीके से मिक्सचर का हमको जो है एक तरीका हमारे पास आ गया कि कैसे हम लोग इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।